सत्ता परिवर्तन के बाद फैली अशांति और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद पूरे देश में अब हिंदू समाज में आक्रोश है। जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध ढाका की सड़कों पर हो रहा है, तो वहीं राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज सकल हिंदू समाज के लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में उतरे हैं और कहीं ना कहीं यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। धमकियों से प्यार की दुर्भावना सोती रही और कूड़ता कहीं आंसू की लहरों में सोती नहीं, लाख समझा बांग्लादेश को तो क्या हुआ, हे मसल कुत्ते की दुम कभी सीती होती नहीं। ये कुत्ते की दुमे बांग्लादेश की मसल को काट के फेंकना पड़ेगा। 1971 में भारत ने ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया, बांग्लादेश को एक नया देश बनाया, लेकिन आज बांग्लादेश अपनी औकात भूल गया है। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू पीड़ित हैं, जिन्हें एक एक कर चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनके साथ न केवल बांग्लादेश के बल्कि पूरे भारत देश का हिंदू समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में आज भोपाल का सकल हिंदू समाज सड़कों पर है और लगातार ये प्रदर्शन करके मांग कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो क्रूरता हो रही है वो बंद हो। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, आज आपका ये प्रदर्शन किस चीज को लेके है? बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से हिंदुओं के साथ कृत्य किए जा रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ में आज भारत के समग्र हिंदू समाज एकत्रित होकर सड़कों पर उतरे हैं। हम उनके मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए, हम सब हिंदू भाइयों की एकता के लिए हम आज एकत्रित। आज पूरा सकल हिंदू समाज भोपाल का इकट्ठा हुआ है और बांग्लादेश जो अत्याचारी है, मुस्लिम लीग के गुंडे हैं, जो हमेशा हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसके विरोध में पूरा हिंदू समाज उनके साथ है। बांग्लादेशी हिंदू अलग नहीं, वो हमारे भाई है, हमारे सहोदर है, उनकी रक्षा करने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है और आज उनके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं को चुन चुन कर एक एक करके हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेशियों को दिक्कत उनकी सरकार के साथ थी तो अल्पसंख्यकों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और दूसरी बात, हमारी बहन बेटियों के साथ इतनी बर्बरता क्यों की जा रही है? इसे बंद करना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि हम उनके साथ है और किसी तरह की भी गरंदगी हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। क्या एक बार फिर से हिंदू समाज की जो नारी शक्ति है उन्हें हथियार उठाना पड़ेगा बांग्लादेश के? बिल्कुल उठाना पड़ेगा। मैं तो कह रही हूँ हर घर की स्त्री को अपने साथ एक हथियार रखना पड़ेगा। इस तरह से हमारे विश्वास को जो ठेस लगी है, जो हमारा विश्वास तोड़ा जा रहा है, कैसे हम भाईचारा एक्सेप्ट करेंगे, कैसे उस चीज को हम बर्दाश्त करेंगे? जब उस जगह पे हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है तो कैसे हमारे गली मोहल्ले में अपनी बहनों को सुरक्षित मान ले? हम उनका भाईचारा अपनाए, वो हमारी बहनों को चारा बना के खाए, नहीं करेंगे बर्दाश्त ये सब। तो ये भोपाल का सकल हिंदू समाज है जो आज यहाँ पर आंदोलित है, प्रदर्शन कर रहा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से सीधे तौर पर ये मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के साथ अत्याचार हो रहा है वह बंद हो। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।